देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार झारखंड की हर वो बड़ी खबर इन आधे घंटों के दौरान आप देखने वाले हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे है, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी पांच बड़ी खबरें हैं जिन खबरों के मायने हम आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। पहली खबर जानिए क्यों लोकसभा में लाल हुए ललन सिंह। दूसरी खबर यह कि फूलपुर पर हाउसफुल सियासत को भी समझना होगा। तीसरी खबर यह है कि जाति गणना पर रोक वाली सुप्रीम गुहार को भी जानना चाहिए। समझिए जाति की गिनती पढ़ाई से ज्यादा क्यों जरूरी है, यह भी आप देख पाएंगे। और इसके अलावा शिक्षकों से पहले सहयोगियों के साथ बैठक के मायने को आप समझ पाएंगे। सबसे पहले मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह लोकसभा में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 का विरोध करने के दौरान खासा तैश में आ गए। उन्होंने बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब इनकी विदाई तय है, साथ ही लोकतंत्र और लोकलाज की भी बात की, जिस पर गृहमंत्री अमित शाह ने ललन सिंह को जवाब दिया, आप तो लोकलाज की बात ही मत करिए, क्योंकि जिस चारा घोटाला को लेकर बिहार की जनता के सामने गए आज उसी चारा घोटाला करने वालों के साथ बैठे हैं। बैठिए ना बाबा, आप बैठिए, बैठिए, विदाई होगा आपका, बैठिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं, बैठिए बैठिए, आप बोलिए ना। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं? ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। राजीव रंजन जी, लोकलाज बोल आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। खबर समझिए, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ललन सिंह बिहार में मंत्री रहे हैं और अभी मुंगेर से सांसद हैं। जेडीयू करीब 17 साल तक एनडीए का साथी रहा, करीब करीब इतने ही सालों तक ललन सिंह भी एनडीए के सहयोगी रहे, लेकिन आज जेडीयू और बीजेपी के रास्ते अलग हो चुके हैं और इसकी कड़वाहट नेताओं के बयान में देखी जा रही है। लोकसभा में दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग का बिल पेश हुआ था, बहस के दौरान बीच में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कुछ बोल रहे थे और इसी बीच ललन सिंह ने झल्लाकर उन्हें बैठने के लिए कहा, जिस पर अमित शाह ने ललन सिंह को सलाह दी कि चारा घोटाले के विरोध में राजनीति करने वाले आज घोटालेबाजों के साथ बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक लोकसभा से गुरुवार को पास हो गया और इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। सरकार का पक्ष केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रखा, अमित शाह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया। जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे। जबरदस्त गर्मा गर्म बहस के बीच लोकसभा में दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा बिल पास हो गया। सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, गठबंधन बचाने के लिए आज विपक्ष एकजुट हुआ है। जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। बिल के विरोध में विपक्ष की तरफ से तमाम दलों के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। बैठिए बैठिए ना बाबा, बैठिए बैठिए, विदाई होगा आपका, बैठिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं, बैठिए बैठिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, जो आप लेकर आए हैं वो संघीय ढांचे पर आघात है, लोकतंत्र के खिलाफ। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं? ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। अमित शाह ने तुरंत ललन सिंह पर पलटवार किया और कह दिया कि लोकलाज आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। राजीव रंजन जी, लोकलाज बोल आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे।
अमित शाह ने सरकार के फैसले के पक्ष में दलील देते हुए यहां तक कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बीआर अंबेडकर भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के विरोध में थे। खैर, लोकसभा में तो बिल पास हो गया, असली लड़ाई राज्यसभा में देखने को मिलेगी, देखना होगा। केंद्र सरकार विपक्षी एकजुटता के चक्रव्यूह को कैसे भेदती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।